यूपी के फतेहपुर की बात करते हैं, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दबंग एक के बाद एक दबंगई दिखाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। एक बार फिर दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। अब पीड़ित किसान अपनी जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। फिलहाल किसान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हाँ, आपको क्या तकलीफ है? हाँ साहब, ये हमें थाने में तक दे रहा हूँ अप्लीकेशन। पवन ने जमीन रोकने नहीं दे रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो साहब ये नकली और ऊपर नकली मेरे साहब कहा कही थी कि ये बैनामा लगाए, कहा कही थी कि जो बैनामा कर दिए गए दाखिल खारिज और नकल मेरे साथ ही जोत भाई भी मेरे साथ ही हुजूर साहब, और कहा कही थी कि और तीन तीन डिग्री मुंशी मजिस्ट्रेट के यहाँ दीवानी जबरदस्ती नहीं देते, और तहसीलदार के यहाँ की डिग्री मेरे पास, जिला जज कौन लोग हैं जो आपको जोते हैं? पटेल, नाम क्या है? पवन पटेल और रविकरण पटेल, ये लोग जोतने नहीं देते। कौन गांव के हैं? निंदियापर के रहने वाले हैं। मैं करहैया पूर्वा, नाम करही पूर्वा है, मौर्या चकनूरुद्दीनपुर लगता है। हुजूर साहब, ये मेरा पूरा कागज होके है, मेरी कोई सुनाई हुजूर कहीं नहीं होती है। मैं दसियों दर की सब कुछ कर चुका, अगली एप्लीकेशन करवा चुका। तो ये एप्लीकेशन कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ के लिए आपने लिखा है? ये तो मैं थाने के लिए आज लिखा हुजूर साहब। और वो क्या कहते हैं जब आप जोतने जाते हो? कभी कहते हैं हो जाएगा, हो जाएगा। कहते हैं कि हमारा मुकदमा चल रहा, हम नहीं जोतने देंगे। ये सब डिग्री है मेरे पास, और लेके उसकी मेहरी और ट्रैक्टर लेकर गए थे, उनकी मेहरी हमारे ट्रैक्टर के सामने पड़ रहती है, और सब लाठी डंडा लेकर आने की घुमाने की धमकी देते हैं। हाँ, हम लोग साहब लड़ने काबिल नहीं है, अब क्या करें हम लोग। तो बहुत बहुत दबंग लोग हैं क्या? बहुत पैसे वाले, दो दो तीन तीन सर्विस हैं साहब बुजुर्ग, इसलिए मेरी सुनाई नहीं होती, पैसा दे करके सब दबवा देते हैं। ठीक है, वो पैसा दे के दबवा देते हैं, तो कानूनी कार्रवाई आप करिए, आपकी हेल्प होगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपकी हेल्प की जाएगी। जी सर।